क्या आप जानते हैं दुनिया में कई अजीबोगरीब तरह की रस्में और प्रथाएं होती हैं, जैसे अंतिम संस्कार के समय शव के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है। पहला कारण तो यह है कि तंत्र मंत्र करने वाले शमशान घाट से मृतक की खोपड़ी लेकर अपनी साधना कर सकते हैं। इस वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा उन अघोरियों या पिशाच पूजन करने वाले की गुलाम बन सकती है, इसलिए खोपड़ी को तोड़ कर नष्ट कर देते हैं। दूसरा कारण, कुछ लोगों का कहना है कि इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में मृत आत्मा के साथ ना जाए, इसलिए खोपड़ी तोड़ दी जाती है। तीसरा कारण, खोपड़ी का प्रयोग आत्माओं को अपना गुलाम बनाने वाले करते हैं, इनसे बचाव के लिए यह संस्कार किया जाता है। दरुड़ पुराण के अनुसार शव को अग्नि देते समय उसके सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा करने का कारण यह होता है कि मनुष्य के सिर की हड्डी मजबूत होती है, इसलिए उसे अच्छे से अग्नि में जलाने के लिए उस पर घी डाला जाता है। दरुड़ पुराण के अनुसार अगर मनुष्य का सिर अच्छे से नष्ट नहीं हो पाता तो वह अगले जन्म में मृतक का विकास अच्छे से नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।